औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन एंड इट्स टाइप्स। सो पहले तो हम ये समझते हैं कि रेस्पिरेशन किसे कहते हैं और इनके कितनी अकसाम है, ठीक है। रेस्पिरेशन की जो डिफिनेशन हो इस तरह हम करते हैं, द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड टिपिकली बाई द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, ठीक है, जिसमें बॉडी के अंदर एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। और वो एनर्जी कहाँ से पैदा होती है? वो पैदा होती है कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की ब्रेक डाउन से। सो ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या है? ये वो फूड है जिसको हम खाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर जब फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में तो उसमें फूड बनता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जब फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है तो उसमें फूड बनते हैं जिसको हम कहते हैं C6H12O6 या ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो बेसिकली रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में ये होता है कि वही फूड जो है ऑक्सीजन उसकी ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, ऑक्सीजन उसकी ब्रेक डाउन करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और उससे फिर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, वाटर बन जाता है और एनर्जी बन जाती है। तो उस एनर्जी को जो है हमारी बॉडी कंज्यूम करते हैं करती है। अगर मैं चलता हूँ, फिरता हूँ, काम करता हूँ, ठीक है, ये मैं किस वजह से करता हूँ? ये इस एनर्जी की वजह से। और ये एनर्जी मुझे कौन देता है? वो कौन सा प्रोसेस है जो कि बॉडी में होके हमें एनर्जी देता है? वो है रेस्पिरेशन, ठीक है, वो प्रोसेस जो है वो रेस्पिरेशन है। सो आज हम ब्रीफली पढ़ेंगे रेस्पिरेशन को। हम समझ गए कि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें बॉडी के अंदर खुराक की ब्रेकडाउन होती है और उससे फिर एनर्जी रिलीज हो जाती है। सो आज जो हम पढ़ेंगे वो रेस्पिरेशन के हम टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे रेस्पिरेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन ये जो मेन टाइप्स है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। पहले बढ़ते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। जैसे कि नाम से जाहिर है एरोबिक, सो एरोबिक वो रेस्पिरेशन है, द रेस्पिरेशन विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है या जिसके लिए ऑक्सीजन लाजमी है उसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। मिसाल के तौर पर इंसानों में जो है ज़्यादातर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। एन एरोबिक रेस्पिरेशन कौन है? वो रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है उसको कहते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन। अब यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं जो कि समझने के हैं। जो एन एरोबिक रेस्पिरेशन है वो या तो ऑक्सीजन की, जब ऑक्सीजन ना हो तब बॉडी में होती है, या अगर ऑक्सीजन हो भी लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है फिर भी जो है एन एरोबिक रेस्पिरेशन होगी। मिसाल के तौर पर एन एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड है, या तो ऑक्सीजन नहीं होगी तब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, या माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तब एन एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो होगा। द बॉडी सेल्स हैव ऑक्सीजन एंड आल्सो माइटोकॉन्ड्रिया, देन एरोबिक रेस्पिरेशन विल अकर इन देम। अगर बॉडी सेल्स के अंदर जो है उसको ऑक्सीजन भी पहुंच पा रही है और उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी है तब उनके अंदर जो है उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। लेकिन अगर उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, बॉडी के सेल्स के अंदर अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, जिस तरह के इंसान की खून है, इंसान की आरबीसीज है, चूँकि उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है इसलिए उनके अंदर जो है एरोबिक रेस्पिरेशन, एन एरोबिक रेस्पिरेशन उनके अंदर होती है, ठीक है। लेकिन जो ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी है और उनको ऑक्सीजन भी पहुंच पा रहा है उनमें जो है एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। बट दो सेल्स हु हैव नो ऑक्सीजन आर माइटोकॉन्ड्रिया, देन एन एरोबिक रेस्पिरेशन विल अकर इन देम। जैसे मैंने मिसाल दे दिया, अगर आरबीसी जो है ना, इंसान की आरबीसी, अगरचे उनको ऑक्सीजन मिल रहा है लेकिन उनमें चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, जब वो मैच्योर हो जाती है इसलिए उनके अंदर भी जो है एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अच्छा, एक और बात इसमें जो समझने की है, एरोबिक जो रेस्पिरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन जनरेट्स 36 to 30 PATPs, ठीक है। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये बहुत स्लो होता है, ठीक है।
अगरचे एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है यानी एटीपीज, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये जो है ये आहिस्ता आहिस्ता होता है, ठीक है। सो इसलिए जब हमारी बॉडी को एनर्जी की क्विक ज़रूरत होती है तो उस वक़्त जो है एन एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो होता है, क्योंकि एन एरोबिक रेस्पिरेशन में क्विकली जो है बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड होती है। अच्छा, लेकिन एन एरोबिक रेस्पिरेशन का डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत अगरचे ये होता तेज़ है लेकिन ये बहुत कम एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ओनली 2 ATPs एन एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है वो पैदा होती है। सो एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 या 38 ATPs पैदा होती है लेकिन वो आहिस्ता होता है, जबकि एन एरोबिक रेस्पिरेशन में अगरचे ATPs कम पैदा होती है लेकिन वो बहुत क्विक होता है। हम जब मिसाल के तौर पर काम करते हैं, हम जब काम करते हैं तो हमारी जो मसल सेल्स है ना उनको एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। जब हम काम करते हैं या हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो मसल सेल्स है ना उनको एनर्जी की, क्विक एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो वो क्विक एनर्जी हमने जिस तरह पढ़ाया कि एरोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए से हासिल नहीं हो सकती क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता होता है। सो इसलिए हमारी मसल सेल्स के अंदर फिर एन एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। और इस तरह हमारी फिर हमारे हम तक क्यों जाते हैं, क्योंकि जब भी एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें जो है खुराक की इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है और उसके नतीजे में लैक्टिक एसिड पैदा हो जाता है, फिर वो लैक्टिक एसिड क्या करते हैं हमारे मसल्स में थकआउट कास करते हैं। जब सेल्स के अंदर या ऑक्सीजन मौजूद ना हो सेल्स को या माइटोकॉन्ड्रिया उनके अंदर ना हो तो क्या होता है, देन एन एरोबिक रेस्पिरेशन कंटिन्यूज एंड फर्मेंटेशन अकर्स, कि जब या तो ऑक्सीजन नहीं है या माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर नहीं है तो उस सूरत हाल में एन एरोबिक जो रेस्पिरेशन है वो कंटिन्यू होता है, ठीक है, और फर्मेंटेशन हो जाता है। सो ये याद रखिए कि एन एरोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी कहते हैं। फर्मेंटेशन क्या है, फर्मेंटेशन इज़ द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, सब्सटेंसेस की केमिकल ब्रेकडाउन को फर्मेंटेशन कहते हैं। और इसके 2 टाइप्स है, वो कौन कौन से टाइप्स है, एक को कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और दूसरे को कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इसको क्यों कहते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें लैक्टिक एसिड जो है वो आखिर में बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर जब ये ग्लूकोज है इसकी जो है इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो गई, ये पाइरूवेट को कन्वर्ट हो गया और पाइरूवेट फिर कन्वर्ट हो गए लैक्टिक एसिड को और इसने यहाँ पे जो है 2 ATPs जनरेट किया। जैसे मैंने पहले आपको बताया जब हम काम करते हैं हेवी काम करते हैं या हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो मसल्स के जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन एफिशिएंटली और सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पहुंच पाती तो उनमें क्या होता है, उनमें एन एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है। जब उनके अंदर एन एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है तो फिर उसके अंदर लैक्टिक एसिड बन जाता है। जब लैक्टिक एसिड बन जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर थकआउट कास करती है और हमारे मसल्स जो है वो थक जाते हैं। इसी तरह अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन वो प्रोसेस है जिसमें आखिर में जो है अल्कोहल पैदा होता है, ठीक है, जिसके आखिर में अल्कोहल पैदा होता है और ये ज़्यादातर जो है ये यीस्ट जो कि एक फंजाई है में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, यही जो है ग्लूकोज है, ठीक है, ये टूट जाता है और 2 ATPs जनरेट करता है और फिर इससे क्या बन जाता है, इससे आखिर में अल्कोहल बन जाता है, ठीक है। सो ये था आज का टॉपिक हमारा जो है रेस्पिरेशन एंड इट्स टाइप्स। सो ब्रीफ हम पढ़ें, रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें खुराक की ब्रेकडाउन होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में और ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, और उससे क्या बन जाता है, उससे जो है एनर्जी हमें हासिल होती है जिसके ज़रिए से हम मुख्तलिफ काम करते हैं। फिर उस रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स हैं, एक को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरे को कहते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है जिसमें जो कि ऑक्सीजन उसके लिए मस्ट होता है, वो ऑक्सीजन के बगैर नहीं होता, जिसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत, उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और एक होता है एन एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी हो जाता है, उसको कहते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन। उस एन एरोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। फर्मेंटेशन उसको क्यों कहते हैं, उसको इसलिए कहते हैं कि उसमें फर्मेंटेशन जो है वो है केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, फर्मेंटेशन केमिकल ब्रेकडाउन है सब्सटेंसेस के। और इसके 2 टाइप्स है, एक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एक है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इसको इसलिए कहते हैं
कि इस रिएक्शन के आखिर में जो है लैक्टिक एसिड पैदा होता है, ठीक है। और इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्यों कहते हैं, इसलिए कि इसके आखिर में जो है अल्कोहल पैदा होता है, ठीक है। और ये जो है ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है ये ज़्यादातर फंजाई में होता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है वो इंसान में भी होता है और जो है बैक्टीरिया में भी होता है। ये यगर्ट जो बनते हैं दही, वो ये इस प्रोसेस के ज़रिए से बनते हैं। सो आज का लेक्चर इतना ही था। थैंक यू।